2004 में जब मनमोहन की पहली सरकार बनी थी तो उस वक्त माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक आयोग बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल एक्ट। इसके जरिए मुसलमानों के जो इंस्टीट्यूट हैं, माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी, भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलर करने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए, माइनॉरिटी को अपने इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, इस एक्ट का गठन किया गया था। और आयोग बना करके उसमें यह क्लियर किया गया था कि इस आयोग का जो चेयरमैन होगा वो हाई कोर्ट का कोई जज होगा, और उसी के तहत ये पूरा चलता चला आ रहा था। मुसलमानों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाती थी, उसके अलावा दूसरे जो अकलियत हैं, चाहे वो सिख की बात करें या जैन की बात करें, उनको भी नुमाइंदगी मिलती थी, एक एक मेंबर उनका भी होता था। और ये सिलसिला मनमोहन सरकार के ख़त्म होने के बाद तक ये चलता रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार आती है और इसमें खेल शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा पेट में दर्द बीजेपी को उस वक्त हुआ जब इसके ज़रिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, माइनॉरिटी करेक्टर दिया गया। और उसके बाद आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में अब वहाँ पर मुसलमानों का रिजर्व हो गया है कोटा, और बड़ी तादाद में उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। उससे पहले ये हो रहा था कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें, हालांकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उस वक्त जो जस्टिस सुहेल साहब जो उसके आयोग के चेयरमैन थे, उनका ये कहना था कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना होता तो मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भी माइनॉरिटी का करेक्टर दे देता। लेकिन और बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में, पूरे भारत में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को दर्जा दिया गया, उनको मान्यता दी गई, और जौहर यूनिवर्सिटी है उसको भी इसी एक्ट के तहत माइनॉरिटी का करेक्टर दिया गया था। तो बीजेपी को लगा कि ये इसके जरिए मुसलमान इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, और जिन इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों का, मुस्लिम कौम का, उनके आबाओ अजदाद का पैसा लगा हुआ है, वहाँ पर ये अपनी एक्सक्लूसिव एजुकेशन पाएंगे, और उसके बाद अपना हक मांगने की बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोशिश यही रही है हमेशा सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, कि मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं, मुसलमान आगे आए नहीं, इंजीनियर डॉक्टर और साइंसदान ना बने, ताकि ये उन्हीं मुस्लिम स्लम्स में रह करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे और अपने हक की बात ना करे, अपने राइट्स की बात ना करे। इसीलिए मुसलमानों को रखा जाए जाहिल, यही एक मकसद था। लेकिन अब जिस तरह से जामिया में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत लंबी तादाद है, बहुत हज़ारों इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें 2004 से लेकर 2014 तक जो भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस आयोग के पास पहुंचे अपना करेक्टर लेने के लिए, उनको करेक्टर दिया गया नियमों के हिसाब से, और हज़ारों की ये संख्या है। एक बार लिस्ट पूरी इसकी जारी की गई थी, एक बुकलेट जारी किया गया था जिसको मैंने भी पूरी तरह से बगौर देखा था, और उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ था कि इस आयोग के जरिए एक बहुत बड़ा काम मुसलमानों का हो गया। लेकिन इसके बाद देखने में यह आया कि बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ दिनों तक, जब तक आयोग की टर्न थी तब तक तो सामान्य स्थिति में चलता रहा, लेकिन जैसे ही इस आयोग का टर्म खत्म हुआ और नए आयोग की बनाने की बात सामने आई तो उसमें सरकार की नीयत सामने आई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे बड़ी माइनॉरिटी भारत में मुसलमान है। लेकिन इस आयोग का चेयरमैन एक सिख को बनाया गया, और अब उस चेयरमैन को फिर 3 साल का एक्सटेंशन देने की बात कही गई है, जिसकी सिफारिश फाइल बढ़ा करके कर दी गई है। आयोग में सिर्फ एक मुस्लिम मेंबर को रखा गया है, वो भी शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, और 2 मेंबर सिख समुदाय के हैं, 1 मेंबर जैन समुदाय का है। यानी 3 दूसरे समुदाय के हैं, 1 मुस्लिम जो मेंबर है वो सिर्फ एक रखा गया है। पूरा जो स्ट्रक्चर है ये
तीन मेंबर्स और एक चेयरमैन का स्ट्रक्चर होता है। जो चेयरमैन है वो भी सिख हैं, एक मेंबर को सिख रखा गया है, एक जैन मेंबर है और उसके अलावा एक मुस्लिम मेंबर है। और सबको 2023 तक एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पर केंद्र सरकार को नोटिस किया गया है। मौलाना ने उस पर आपत्ति जताई है, तंजीम ने यह आपत्ति जताई है कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, 20% के करीब है, और दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या कम है, और जितने भी मुस्लिम आयोग इस तरह के हैं तो वहाँ पर सुन्नियों को और मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है, एक्ट में इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन सरकार की निगाह, सरकार की नियत के ऊपर में खोट है, वो मुसलमानों को उनका वाजिब हक नहीं देना चाहती, और अगर एक मुस्लिम रखा भी गया है तो वो भी शिया कम्युनिटी से रखा गया है। शिया कम्युनिटी की संख्या हिंदुस्तान में, भारत में कम है। ये भी मौलाना ने ऑब्जेक्शन किया है कि उसमें पूरी तरह से नुमाइंदगी मुसलमानों को मिलनी चाहिए और सुन्नी मुसलमानों को उसमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये बात मौलाना अरशद मदनी की जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये बात कही गई है। अब जो बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर बलजीत सिंह मान एक मेंबर हैं, दूसरे मेंबर हैं डॉक्टर नहीद आबिद और जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, ये जो है ये इसके आयोग के चेयरमैन हैं, और जसपाल सिंह ये मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो इसका बनाया गया है, और इसी को लेकर के मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कोर्ट का रुख किया है, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर अपना क्या जवाब देती है, लेकिन जिस तरह से जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, ख़ासतौर से हम हज की भी बात करेंगे कि हज को लेकर किस तरह से रणनीति अपनाई जा रही है, किस तरह से उस कमेटी में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ख़ुद मुख्तार अब्बास नकवी किस तरह से कमेटी में शोषण कर रहे हैं और अपनी मर्जी चला रहे हैं, इस पर भी हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।